और इसी बीच कैथल से मेरे सहयोगी विपिन शर्मा जुड़ गए हैं और झज्जर से मेरे सहयोगी सुमित कुमार भी जुड़ गए हैं। सुमित, पहले आपका रुख कर लेता हूं। ऐसा कहा जा रहा है कि 21700 की मांग जो थी, 21700 का जो ऑफर था, जो सुझाव था, वो मान लिया जाता तो शायद सही रहता, लेकिन अब देखिए अंत में कुछ नहीं मिला। लेकिन यहां पर यह कहना बहुत जरूरी है कि क्या यह वाकई अंत है, क्या यह वाकई पूर्ण विराम है, या महज 3 महीनों का एक छोटा सा अल्प विराम? क्योंकि यह क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है क्लर्कों की ओर से, लिपिकों की ओर से, कि हम केवल 3 महीने का वक्त दे रहे हैं, इसके बाद हम फिर से लौटेंगे। बिल्कुल हार्दिक, आपको बता दें कि काफी लंबे समय से जो है क्लर्क जो है हड़ताल पर बैठे थे और 35400 की जो है इनकी मांग थी सरकार से अपना वेतन मांग बढ़ाने की। 19900 ये कर्मचारी ले रहे थे और अपनी जो है हठधर्मिता सरकार कहीं ना कहीं अपना रही थी। और फिर कुछ समय बाद जो इनकी सरकार से वार्तालाप हुई तो उस वार्तालाप में 21700 का जो है हल कहीं ना कहीं कर्मचारियों को निकालने का जो है आश्वासन सरकार की तरफ से मिला, लेकिन कर्मचारियों ने 21700 की बजाय जो है अपनी 35400 की मांग पर ही ये अड़े रहे, लेकिन जो है इनकी मांग पूरी नहीं। अभी जो कल भी वार्तालाप हुई है और सीएम साहब ने 21700 का ही इनको अल्टीमेट दिया है, बाकी 3 महीने का और समय इन्होंने दिया है। अब देखने वाली बात है कि 3 महीने बाद जो है इनकी मांग जो पूरी होती है नहीं होती है। फिलहाल जो मेरे साथ है, मेरे साथ जो है कमेटी के प्रधान है सुरेंद्र जी, उनसे ही बात जानेंगे। सुरेंद्र जी बताएंगे कैसे क्या वार्तालाप। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के साथियों का धन्यवाद करूंगा जो आप हमारी जायज मांग को उठा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, पहले पता चलता रहा 4-5 बार दौर की सीएम साहब के साथ, सरकार के साथ, कभी अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता चली है। जो चौथी बार वार्ता हुई तब सीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा। अभी 5वीं जब वार्ता हुई तब हमारे को वही जुमला जो लगभग 20-25 दिन पहले बताया था 21700 वही बता दिया कि हम आपको ये दे रहे हैं। वो हमें किसी भी शर्त पे मंजूर नहीं था क्योंकि उसको सरकार हमारे ये कर रही थी ऊंट के मुंह में जीरा। हमारी मांग है, हमारा हक है और बनता है हमारा 35400। जो हमने तथ्य सामने सरकार के सामने रखे, एक भी तथ्य को सरकार जुटला नहीं पाई। हमने रिटर्न में सारी चीजें सरकार के सामने। ठीक है सुमित, आपके पास मैं लौट कर आता हूँ। मेरे सहयोगी कैथल से विपिन भी जुड़े हुए हैं, विपिन का रुख कर लेता हूँ। विपिन, अभी आपने देखा कि जो क्लर्क एसोसिएशन की ओर से एक प्रधान है झज्जर में, वो अभी अपनी बात रख रहे थे, कह रहे थे हमारी जायज मांग को आपने उठाया। अब जायज मांग क्लर्कों की ओर से है 35400 और जायज सुझाव सरकार की ओर से है 21700। अब आप ये बताइए कि क्या होगा अगर सरकार को 35400 की मांग ये कमेटी बनने के बाद 3 महीने के बाद जायज नहीं लगती, क्लर्क जो होंगे उनका अगला कदम क्या होगा? जी, जैसे कि सरकार की तरफ से जायज है मांग, आपकी जायज मांग है 35400, सरकार की तरफ से जायज है 21700। 3 महीने के बाद भी अगर सरकार को 35400 जायज नहीं लगती तब क्या करेंगे? तो हम अपनी मांग को इसी तरह से जारी रखेंगे जिस प्रकार से हमने शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को पहले भी अपनी मांग 35400 के बारे में बताया था। और अगर सरकार ने नहीं मानी तो हम 5 जुलाई को यहाँ पर बैठ गए थे धरना स्थल पर और सभी हरियाणा के सभी सचिवालयों पर लगातार 42 दिन हमारा धरना चला, लेकिन सरकार हमें 21400 देना चाह रही थी जो कि हमें कतई मंजूर नहीं था। अगर सरकार, जब तक सरकार हमारी 35400 की मांग को पूरा नहीं कर देती तो लिपिक उस मांग पर तब तक अड़े रहेगा और धरने और हड़ताल जारी रहेंगे। ठीक है विपिन, इनसे इनसे कमेटी के बारे में और सवाल ले लीजिए कि कमेटी में 5 मेंबर की अगर बात रखी गई है, 2 लोग इधर के, 2 लोग उधर के, तो वो 5वां मेंबर जो होगा वो कौन होगा, 5वां मेंबर कौन तय करेगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? मतलब क्योंकि ऐसे में कमेटी पर दोनों पक्षों का विश्वास होना बहुत जरूरी है। 3 महीने अगर क्लर्क ने दिए हैं तो उनका विश्वास मजबूत होना चाहिए कमेटी पर, और सरकार को भी भरोसा होना चाहिए कि ये 5 लोग जो हैं ये भरोसेमंद लोग हैं। 5 मेंबरी कमेटी आपकी बनेगी, उसमें कौन लोग होंगे, क्या वो आपके भरोसे के आदमी होंगे नहीं होंगे, ये कैसे आप विश्वास करेंगे वो लोग सही हैं, किस तरह चुनाव होगा 5 मेंबरी कमेटी? कल हमारी राज्य कार्यकारिणी को सीएम महोदय की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है कि 5 सदस्यीय कमेटी बना करके आपके कार्य की समीक्षा करवा करके, आपके कार्य की जांच करवा करके 5 सदस्यीय कमेटी बना दी जाएगी। उसमें 2 रिटायर्ड IAS अफसर होंगे, 2 हमारे संगठन से होंगे और 1 आदमी सरकार की तरफ से होगा। तो सहमति कैसे होगी कि आप लोगों की वो आपकी बात पूरी सही ढंग से रखेंगे, देखेंगे या नहीं देखेंगे? पहले विश्वास भी होना चाहिए, सरकार को भी होना चाहिए और आपको भी, वो कैसे तय होगा?
विश्वास तो जब हमारे दो आदमी उस कमेटी में होंगे और निष्पक्ष आदमी दो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होंगे तो उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमारे भी दो आदमी तथ्यों के साथ कमेटी को अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत करेंगे। ठीक है विपिन, आपके पास लौट कर आता हूँ। ये क्लर्क का जो आपके साथ है उनका मैं पक्ष समझ गया। सुमित आपका रुख कर लेता हूँ। ये कहा जा रहा है कि हम भी विश्वास करेंगे, सरकार भी भरोसेमंद लोगों को ही बैठाएगी, हम पांचों लोगों पर विश्वास करके कमेटी के फैसले को मानेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कमेटी बनने के बाद गेंद किसके पाले में जाएगी? अगर इनके पाले में गेंद नहीं आती है तब क्या होगा? क्या ऐसा क्या हुआ कल? क्योंकि आप देखिए, मुख्यमंत्री आश्वासन तो पहले भी दे रहे थे, मुख्यमंत्री ने भरोसा पहले भी दिया था, तो पहले चार बार में आपने भरोसा नहीं किया, पांचवीं बार में ऐसे कैसे मुख्यमंत्री ने आपको राजी कर लिया बिना आपकी मांग को माने? ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हार्दिक, आपको बता दें, जैसे लंबे समय से जो है हड़ताल पर बैठे थे कर्मचारी, तो उनकी एक ही मांग थी 35,400, और लेकिन सरकार ने जो 21,700 का जो इनसे बात की है और कल सोम जैसे बातचीत करके कुछ ना कुछ हल जरूर निकालने की बात की, लेकिन जो कलरक जो कर्मचारी है जो हड़ताल पर बैठे उनकी मायूसी है, और जो 3 महीने का समय दिया है इन्होंने साफ तौर पर कहा है अगर 3 महीने के में अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा। जैसे प्रधान जी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा, इन्हीं से जान लेते हैं कि अगर 3 महीने में समस्या का समाधान नहीं रहता तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। प्रधान जी, अगर अभी हाल ही में जैसे 2024 का चुनाव हुआ है, अभी जैसे 3 महीने में अगर समस्या का समाधान नहीं होता जो आपकी 35,400 मांग थी तो कैसे करें? सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं, सरकार ने जो 3 महीने का टाइम दिया ना, इसी से ये जाहिर होता है सरकार की मंशा हमारे प्रति सही नहीं है, क्योंकि ये सारे तथ्य एकत्रित कर रखे थे। 10-15 दिन में भी ये काम हो सकता था, विद इन वीक हो सकता था, लेकिन जानबूझ के लंबा टाइम दिया गया, सरकार टाइम खींच रही है। और हमारी अभी 3 महीना दे दिया, कोई बात नहीं, 3 महीने में भी अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो इसमें बिल्कुल साफ बात है कि सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा इलेक्शन के दौरान। सभी साथियों में इसके प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी है, लेकिन फिर भी हमने धरने को राज्य कमेटी के कहने के अनुसार अब स्थगित कर दिया है 3 महीने के लिए। अगर नहीं मानेंगे तो उसके बाद फिर धरने पर आएंगे। नहीं, मांग 35,400 वही रहेगी या? बिल्कुल वही रहेगी, 35,400 मांग ही रहेगी, क्योंकि जब 35,400 हमारी मांग थी उसका कोई समाधान ही नहीं हुआ तो मांग तो बदली होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सुमित, 2024 में अगर 2024 की चेतावनी दी जा रही है तो ये चेतावनी तो सरपंचों ने अपने धरने के दौरान भी दी थी। ये तो जितने धरने होते हैं, जितनी हड़ताल होती है, उसके बाद ये चेतावनी तो दी जाती है कि ठीक है आपको वोट की चोट देंगे, आपको चुनाव में हम बताएंगे। लेकिन असल बात ये होती है कि जिस मुद्दे पर आपने हड़ताल शुरू की है वो मंजिल तक पहुंचे, वो बात सरकार तक पहुंचे और सरकार उस पर एक्शन ले और उसका असर आप लोगों के जीवन पर पड़े, तब जाकर के कोई हड़ताल सफल होती है या तब जाकर के कोई मांग है वो मानी जाती है। ये बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि 3 महीने के बाद चाहे जो भी हो इस समस्या का समाधान जरूर निकले, क्लर्क खुश हो, उनकी मांगे जो जायज हो वो मान ली जाए और सरकार पर भी ज्यादा बर्डन ना पड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और क्लर्कों से बात करने के लिए। सुनो सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही।